हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदे, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास पैनासोनिक का माइक्रोवेव ओवन है और उसके बटन के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, डेमो चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत है आपको या कुछ मुझसे कुछ डिस्कस करना है या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए आपको मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन के बारे में, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ग्लास प्लेट और नीचे एक राउंडिंग प्लेट है, परमानेंट है, जो भी आपको गर्म करना है, रीहीट करना है, प्रीहीट करना है, सेंटर पे हम रखेंगे। हमारे पास ना तीन टाइमिंग रहती है सर, 10 मिनट 1 मिनट 10 सेकंड। ये खाना गर्म करने से रिलेटेड है, बनाने से रिलेटेड है। जैसे अपन ने फाइबर वाला रखे है ना, ऐसा कोई भी बर्तन जिसके पीछे ऐसा डिजाइन बना हो, कांच का या फिर प्लास्टिक का, उसी में ही हमको गर्म करना है और बनाना है। तो यहाँ से देखिए, हम जैसे 10 मिनट दबाएंगे, ये 10 मिनट का टाइमिंग आ गया और इसको हमको स्टार्ट कर देना है। ये डेली रूटीन का हमको जो गर्म करने का, उसके बाद जो ये 10 मिनट वाला जो प्रोग्राम है ना, इस बटन को हम प्रेस करते जाएंगे, ये 10 मिनट प्लस होते जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है, ये तो मिनट में था, 10 मिनट वाला है, और ये जो था ये वन मिनट सिंगल मिनट, ये 1-1 पे प्लस होते जाएगा। जनरली गर्म करने के लिए 4 से 5 मिनट सफिशियंट होता है, उसके बाद आप सीधा स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, ये जो तीसरा वाला है ये सेकंड पे है, 10-10 है सेकंड पे, तो जैसे पापड़ वापड़ रोस्ट करना है तो 40 से 50 सेकंड का टाइमिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो तीनों प्रोग्राम है, ये टाइमर दिया हुआ है, इसमें जो गर्म करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो हाई पे सेट है, उसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं। कैसे बता रहा हूँ, जैसे ये माइक्रो पावर आप दबाएंगे ना, देखिए यहाँ पे P100 लिखा है, 100 मतलब काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ। उसमें इसी बटन को आप प्रेस करेंगे, देखिए ये 10 से स्टार्ट होगा, ये सबसे लोएस्ट है, और इसको हम सेंटर करेंगे, 50 जो है ये मीडियम है। तो पहले हम इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद हम यहाँ से टाइमिंग डालेंगे और यहाँ से हम इसका, तो जो भी हमने इसका वोल्टेज डाला, पावर डाला, पावर डालने के बाद हम टाइमिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे, वो गर्म होने के लिए स्टार्ट हो गया। तो ये वाला जो हमारा माइक्रो पावर का ऑप्शन है ना, इसमें खाना गर्म कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, इसमें कांच और फाइबर माइक्रो सेफ वाला ही यूज करेंगे। सेकंड आ जाते हैं सर ग्रिलिंग। ग्रिलिंग हमको जो भी सामान रोस्ट करना रहेगा वो हम ग्रिलिंग पे करेंगे। हमारे पास दो रेक रहता है, एक ये छोटा रेक हाई रेक और ये बड़ा रेक लो रेक और हाई रेक। जैसे छोटा कोई सामान हमको रोस्ट करना है तो हम बड़े वाले पे रखेंगे और बड़ा कोई सामान करना है तो हम छोटे वाले पे रखेंगे। जैसे इस बटन को आप प्रेस करेंगे, ये G1 आ रहा है, इसी बटन को प्रेस करेंगे G2। G1 में बड़े टाइप के जो भी सामान देंगे वो करेंगे, G2 में छोटा सामान हमको रोस्ट करना है, यहाँ से सेट होगा। अब इसके बाद हम यहाँ से टाइमिंग डालेंगे। टाइमिंग डालने के बाद ये जो रैक है, रैक को सीधा इस ग्लास ट्रे पे रख देंगे। ग्लास ट्रे में रखने के बाद यहाँ से सीधा स्टार्ट कर देंगे। तो ये ग्रिलिंग के लिए चलेगा, जो भी हमको वेज है नॉन वेज है ग्रिल करना है उसके लिए। इस वाले प्रोग्राम पे आपको प्लास्टिक नहीं डालना है, माइक्रोसेफ वाला जो बाउल है ना वो नहीं डालना है, सिर्फ आपको एक ग्रिल का ही रेक डालना है। उसके बाद देखिए आ जाते हैं तीसरा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो हमारा होता है ये बेकिंग से रिलेटेड है, केक बनाना है या पिज्जा बनाना है या नान खटाई बनाना है, वो इसमें कन्वेक्शन पे आता है। कभी भी आप मतलब बेकिंग का काम करेंगे ना तो पहले माइक्रोवेव को खाली गर्म करना रहता है, प्री हीट करना रहता है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री आया और यहाँ से आपको स्टार्ट बटन दबा देना, ठीक। ये सिर्फ उसको खाली प्री हीट कर रहा है। जब ये प्री हीट हो जाएगा, लास्ट में ना बीप का साउंड करेगा सर, जैसे बीप का साउंड करेगा तो आपको डोर खोलना है, जो भी आपने केक का पेस्ट बाहर बना के रखा है आपको सेंटर से आपको अंदर रखना है, क्योंकि ये सारा सरफेस ना सर रेड हीट हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो हाथ जलने का चांस है, तो आप सेंटर से रखेंगे। ज्यादा होगा तो आप ग्लव्स इसके लिए ले लीजिएगा। इसके बाद फिर आप कन्वेक्शन बटन पे आएंगे। अब आपको जो भी डिग्री सेंटीग्रेड सेट करना है आप इसकी डिग्री सेंटीग्रेड सेट करेंगे, यहां से टाइमिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे। जो सेकंड वाला प्रोसेस है उस पे केक बनेगा। तो पहला वाला जो था हमारा सिर्फ खाली माइक्रोवेव को प्रीहीट करने के लिए था, और सेकंड वाला जो था हमारा केक बनाने के लिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टाइमर क्लॉक, AM PM जो टाइमर है ना, टाइमिंग का उसका है जनरली ये। उसके बाद इसके जस्ट बाजू वाला ऑटो डिफ्रॉस्ट,
ऑटो डिफ्रॉस्ट मीन्स फ्रिज में ऐसा कोई सामान रखा हुआ है कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, चाहे वेजिटेबल्स है हमको बनाने के लिए रेडी करना है, अगर उसको पानी सुखाना है तब ये वाला प्रोग्राम यूज करेंगे ऑटो डिफ्रॉस्ट। फ्रिज में जो भी रखा है, चिकन है या नॉनवेज है या वेज है जैसा भी, उसको एब्जॉर्ब करना है, पानी सुखाना रहेगा ना, तो ये वाला बटन दबाएंगे ऑटो डिफ्रॉस्ट। जैसे देखिए D1 दबाया ना पहली बार में, तो D1 आ रहा है सर। D1 में चिकन के होल पीसेस या चिकन के पीसेस दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो डैश दे रहे हैं, दो डैश जो दे रहा है उसका वेट डालना है हमको कि रफली कितने वेट का है वो। तो देखिए ये दो बटन है इसका, यहाँ से सर हमको अप डाउन से वेट डालना है, जैसे 1.5 किलो या जैसा भी 1 किलो 400। अब हम सीधा स्टार्ट बटन दबा देंगे बर्तन में डालने के बाद, तो जो हम वेट डालेंगे ना सर, वेट के हिसाब से वो टाइमिंग सेट कर देगा। अब सेकंड आ जाते हैं चिकन के होल पीसेस होगा, फिर थर्ड पे मटन होगा, फोर्थ पे फिश होगा, और 5 पे वेजिटेबल और फ्रूट दोनों आ जाएगा। तो ये करके आपको अप डाउन करके सेट कर देना, वो सीधा टाइमिंग ले लेगा। अब देखिए सर, अभी तक तो जो हम ये यूज कर रहे थे ना, ये मैनुअली हम सेट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कंपनी का ऑटो कुक मेन्यू दिया हुआ है। जैसे आप बाद वाला देखते हैं ना, ये वाला जैसे देखिए पहला रीहीट दिया हुआ है, उसमें जैसे ही मैं रीहीट बटन को दबाऊंगा ना, 1-1 आ रहा है रीहीट सूप कॉफी, 1 कप या जैसे गर्म करना रहेगा उसके लिए, मतलब बना हुआ रखा है फिर हमको गर्म करना है। ये 1-1 करने के बाद सीधा हमको स्टार्ट बटन दबा देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमको दबाना नहीं है, सिर्फ जो कोड दिया है कोड दबा के स्टार्ट कर देना है, जिसे उसके ऊपर पे दिया हुआ है। सेकंड वाला जैसे देखिए इसमें मेन कोर्स दिया है, मेन कोर्स दबाएंगे ना 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, स्टीम राइस एंड ऑफ। हाँ स्टीम राइस है, सीधा स्टार्ट कर देंगे 17 मिनट में वो राइस रेडी करके आपको। तो ये व्हाइट वाला जितना मेन्यू दिया हुआ है ना सर, ये ऑटो कुक मेन्यू, सिर्फ कोड मिला के हमको सेट करके स्टार्ट कर देंगे। ठीक। उसके बाद सफाई से रिलेटेड इसमें देखिए, ये जो ग्लास बाउल में ना थोड़ा व्हाइट वेनेगर डाल दीजिएगा, व्हाइट वेनेगर डालने के बाद ग्लास को अंदर डाल देंगे, यहाँ से 20 मिनट आप सेट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे, उससे जो स्मोक निकलेगा सारा बैड स्मेल खत्म कर देगा, कॉकरोच उससे दूर हो जाएगा विनेगर से। और एक बार सर सूखे कपड़े से पोंछ दीजिएगा, और इस सरफेस को हमको साफ नहीं करना है, बाकी सारा सरफेस हम साफ कर सकते हैं। ठीक। और इसके ऊपर कपड़ा ढाके नहीं रखना, जिससे यूज हो गया लॉन्ग टाइम के बाद तो रख सकते हैं, लेकिन यूज करेंगे तो हटा दीजिएगा। ठीक।